हेलो फ्रेंड, चाणक्य में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ टीचर भर्ती से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में जो है चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल च्वाइस करने के लिए 14 जुलाई से खुलेगा पोर्टल। इसका मतलब ये है कि 14 जुलाई से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। आप सब तैयार रहें, अपना अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके रखें। 14 जनवरी आज क्या है, 12 जनवरी आज क्या हुआ था, कैबिनेट की मीटिंग हुआ था और इससे यह निर्णय निकल कर आया है। कल आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिए और 14 जुलाई से आपका खुलेगा पोर्टल। इस बार का जो शिक्षक भर्ती है इसमें बहुत बड़ी जो है आपको स्कूल चुनने का मौका मिलेगा। जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको क्या मिलेगा, स्कूल चुनने का मौका मिलेगा। आप स्वयं से स्कूल का चयन कर पाएंगे। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप खुद से स्कूल को चयन करेंगे। आपको अपना अपना मन पसंदीदा स्कूल आप चयन कर सकते हैं। तो 14 जुलाई से जो है आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। और देखते हैं क्या है खास। देखिए फ्रेंड्स, आज जो है रायपुर में छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती के लिए व्यापम ने पिछले दिनों मुख्य परीक्षा के रिजल्ट घोषित किए थे। जाहिर है कि रिजल्ट आने के बाद स्कूल चुनने के लिए काउंसलिंग होगी। स्कूल शिक्षा विभाग इस बार स्कूलों का च्वाइस करने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग करने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में यह पहली बार होगा। साथियों, ये आप सबके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप स्कूल का चयन खुद कर पाओगे। आप अपने रैंक के अनुसार जो आपका मनपसंदीदा स्कूल है वो आपको इजीली मिल जाएगा। और देखिए आगे, पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन काउंसलिंग का फैसला किया गया है। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन होगा काउंसलिंग, तो इसमें स्पष्टीकरण रहेगा, पारदर्शिता रहेगी। और देखिए आगे, इस बारे में स्कूल शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने बताया कि काउंसलिंग की तैयारी अब अंतिम चरण में है। देखिए साथियों, अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। मैं इसके पहले और वीडियो लाया था कि काउंसलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। और देखिए आज न्यूज़ निकल कर आई है कि काउंसलिंग जो है 14 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। आगे वीडियो में बने रही, ठीक है साथियों। वही न्यूज़ जो है और आगे है। देखिए, आधिकारिक सूत्रों ने छत्तीसगढ़ के सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट NPG न्यूज़ ने बताने की पूरी कोशिश की जा रही है कि 14 जुलाई से काउंसलिंग के लिए पोर्टल खुल जाएगा। पोर्टल का लिंक आपको मैं डाल दूंगा। 14 जुलाई से आप वहां पर जाकर डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से आप जो है अपना काउंसलिंग के लिए एजुकेशन पोर्टल, ठीक है, एजुकेशन पोर्टल में जाकर आप जो है काउंसलिंग कर पाएंगे। मैं लिंक डाल दूंगा। आगे देखिए क्या है, पोर्टल में स्कूलों का च्वाइस करने के लिए अभ्यर्थियों को 7 दिवस का समय दिया जाएगा। देखिए 14 जुलाई से स्टार्ट होगा और 21 जुलाई तक चलेगा। 7 दिन का समय दिया जाएगा। 7 दिन की मियाद पूरी होने के बाद पोर्टल में से लिस्ट निकाल कर देखा जाएगा कि संबंधित स्कूलों में पद खाली है या नहीं, और है तो कितने पद रिक्त हैं। इसके बाद फिर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बहुत ही बड़ी अपडेट है साथियों, 14 जुलाई से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। 7 दिन का समय रहेगा आपके पास। आप जो है अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखेंगे। अभी से मैं ये कहूँगा कि आज से ही आप जो है स्कूल का पता लगाना स्टार्ट कर दें कि कहाँ कितना स्कूल है, कैसा है, या ये कहूँगा कि संभाग, जिला और विकासखंड, इतना तो आप जानकारी लेकर रखें कि एक संभाग में कितना जिला है और उस जिले में कितने विकासखंड है, इसकी जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए। क्योंकि विकासखंड आपको पता रहेगा तभी उसके अंदर आप स्कूल चयन कर पाएंगे। तो आप कम से कम विकासखंड की पूरी जानकारी रखें ताकि आप अपना मन पसंदीदा स्कूल चयन कर पाएँ। ठीक है साथियों, जानकारी कैसे लगी कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी ऐसी नई नई जानकारी आप तक पहुँचाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।